जिला रायगढ़ ब्लॉक तवनार के ग्राम पंचायत सरईपाले में एक किसान दामोदर भोए निवास करते हैं, जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए जमीन पर खेती कर अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। और ग्राम पंचायत सरईपाली के कुछ पंच एवं सरपंच द्वारा 4/5/2015 को पेशा कानून का उल्लंघन करते हुए साइलो निर्माण कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया, जो बारूद स्टोरेज का काम करने के लिए यहाँ पे कंपनी बिठाना चाहती थी। यह पेशा कानून का क्षेत्र है, तो ग्राम सभा का विशेष महत्व है। तो सरईपाली में जैसे एनओसी दिया गया, तो उसमें किस प्रकार दिया गया? एनओसी दिया गया तो ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा नहीं किए हैं, और वो दो चार लोग पंच सरपंच ऐसे लोग बैठ के वो लोग एनओसी दे दिए हैं और जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं। अगर यह कंपनी खुल जाती है तो किस प्रकार से दिक्कत होगी, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसमें तो हमको लग रहा है कि बहुत समस्या हो सकता है। जैसे अगल बगल का जमीन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा जी, और अब सुनने में आ रहा है कि भोपाल त्रासदी जैसा गैस कांड अगर हो गया तब तो फिर तबाही मच जाएगा इस एरिया में। लघु उद्योग लगने से उस जमीन पर खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस लघु उद्योग से अत्यंत तीक्ष्ण गंध निकलती है जो लोगों को पास आने नहीं देती। फैक्ट्री के बगल में हमारे जस्ट जमीन है, तो हम कभी बेचेंगे तो उसे कोई लेंगे भी नहीं, लेंगे तो कम दाम से लेंगे, और उसमें तो हमको बहुत नुकसान है, फिर गांव वालों को भी नुकसान है। और आप इसके लिए क्या क्या कर चुके हैं अभी फिलहाल? इसके लिए तो मीटिंग किए थे लगभग 100-150 आदमी, उसमें दस्तखत भी किए हैं, और अभी तक तो कुछ नहीं निकला है। साइलो निर्माण एवं स्टोरेज लघु उद्योग ग्राम पंचायत सरईपाली में न खुल सके, इस उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान जिला सीओ श्री नीलेश क्षीरसागर को 9479042200 पर फोन कर दबाव बनाएं, ताकि ग्राम पंचायत सरईपाली में साइलो निर्माण एवं स्टोरेज न खुल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।